वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मतलब प्रैक्टिस चल रही है. अच्छा, अब अगर कुछ साल बाद, मतलब इस गाने को कुछ कितने साल हो गए जब ये गाना? चार साल के बाद अगर अब ये गाओ तो इस आलाप में ज्यादा मैच्योरिटी आई आपकी, ये इम्प्रूव हुआ या सेम वही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैच्योर हुआ है ना. क्योंकि अभी मैं सुनता हूँ तो मुझे होता है काश मैंने ऐसा गाया होता जैसा अब मैं गा रहा हूँ. तो आज शो पे सुनेंगे इनसे द न्यू एंड इम्प्रूव्ड आलाप. पहले एक शर्त पे गाएंगे कि तुम जो भी प्रैक्टिस कर रही थी ना वो तो मेरा चलेगा. सिंक तो मेरा वो लिप सिंक चलेगा मेरा. अच्छा ये बताएं, इसकी वीडियो में लगा कि थोड़ा अब माशाल्लाह हम देखते हैं तो आपकी ग्रूमिंग काफी हेयर स्टाइल पे मेहनत नजर आती है. उस टाइम बहुत सिंपल टी शर्ट ऐसी पफिंग भी नहीं नजर आ रही है जैसे कहीं हुई भी है. बड़ी सिंपल वीडियो में क्या चक्कर हुआ था? जल्दी में गाना बना था? एक्चुअली बनाते ही ऐसे थे उस टाइम. हम कभी सोचते नहीं थे कि हमने उठ के जाना है और कुछ तैयार होके भी जाना है. बिकॉज देयर वाज दोस वर द डेज जहाँ पे एक बैंड स्ट्रगलिंग अपनी एज में होता है और काफी वीडियो के बजट के भी प्रॉब्लम होते हैं कि इतना बजट है इसमें ये करना है. तो उसमें कभी ऐसे ही सुबह उठ के प्लान बनाते थे कि यार आज वीडियो बनाते हैं और चले जाते थे. बट आई गेस वो भी एक अच्छा दौर था और ये भी एक बड़ा अच्छा दौर है जिसमें सारी चीजें वेल प्लान्ड है. बिकॉज दो तीन साल में आप सीख जाते हैं कि बैंड कैसे चलाना है, वीडियोस कैसे बनानी है, इमेज कैसे कैरी करना है, विच इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट. और ये वीडियो जो है इसकी तो एक बड़ी स्टोरी थी कि रात को 11 बजे वी केम टू नो कि सुबह हमारी शूट है 5 बजे. और सुबह 5 बजे रेफरल ड्रॉ में निकला था एकदम. हाँ, बस एकदम हमारे जो है मैनेजर थे जो मैनेजर थे हमारे उन्होंने हमें कहा कि बस करना है. वी सेड ओके वी विल डू इट. सुबह 5 बजे वी जस्ट लेफ्ट आवर हाउस. सब लोग एक दो गाड़ियों में हम लोग निकले ऐसे ही जैसे हम वीडियो में आए ऐसे ही निकले थे. ऐसे ही सो के उठे थे और ऐसे ही हम निकल गए थे. और हमें ये भी नहीं पता था वेयर विल शूट द वीडियो. और हम जीप पे भी लड़ाई कर रहे थे कि जीप मैं चलाऊंगा या जीप तुम चलाओगे. हाँ, वो तुम ऐसे ही बच्चों वाली इज्जत कर रहे थे. और आपने काली शर्ट पहनी. हाँ, वो भी किसी और की थी. अच्छा, शूटिंग पे ली थी. हाँ, शूटिंग पे आए हुए थे कुछ दोस्त जिनकी जीप थी, उसकी मैंने टी शर्ट उतरवाई. मैं कहा मेरी अच्छी नहीं लग रही और बस इस तरह हमने शूट की. एक्चुअली वो आपको पता है वी नेवर न्यू कि क्या हो जाएगा इस गाने में. घूर घूर कितने गाया है गाना. घूर घूर के नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, उतर जा रहा कैमरे की तरफ जैसे कैमरे वाला लेंस पीछे कर लेता है. वो पहले कैमरा वाला जो है जो डायरेक्टर था हमारा जोफी, उसने मुझे बोला कि मुझे एनर्जी चाहिए एनर्जी. मैं बड़ा शाय किस्म का मैं देख ही नहीं रहा था. लेकिन मुझे एनर्जी चाहिए, कैमरा इधर है. तो मैं कहा तुझे मैं बताता हूँ कैमरा की तरफ ना बढ़ रहे हैं कि बस या तू नहीं है मैं नहीं. अच्छा, वो वाली सिचुएशन. वो बाकी बात है तो ठीक है. स्विमिंग पूल आ गए हमारे. ये जो चाय है अच्छा, ये चाय है. मैं समझा स्विमिंग पूल है. ये फिटनेस का इसमें आपका पता चलता है कि उठाएं आप, पता चले कि आप जिम जाते हैं, डॉले शॉले बनाते हैं. यू कैन पिक इट अप विद योर लेफ्ट हैंड एंड कीप होल्डिंग इट. इससे तो मसल बन सकता है. वही तो मैं कह रही हूँ, पकड़ के रखो ना. फिटनेस लेवल है ना है. अच्छा, शाबाश फरहान, उठा के रखो लेफ्ट हैंड. मैंने तो कहा था कि इतना चाय दे कि मैं 2 घंटे जा सकूं. ये तो 2 महीने का आपने मुझे. अच्छा एक चीज जो मुझे फेयर नहीं लग रही मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को माशाल्लाह साथ साथ हम लोग थोड़ी एक क्या एक सिलसिला है. हर कोई ग्रो कर रहा है, हम कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, मोर इमोशनल हो रहे हैं. एक चीज जो मुझे आपके SMS में अभी भी समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं लगता इट्स फेयर कि अब आतिफ असलम या जल की एल्बम या गाना को कंपेयर करना. नहीं, आई थिंक दे बोथ मूव्ड ऑन और अब इस तरह इनका म्यूजिक डिफरेंट है जैसे दिन और रात. पहली एल्बम की तो फिर भी चलो वो जो मैं पहना वो चक्कर था, लेकिन अब इनको कंपेयर करना, आप इनको कॉम्प्लीमेंट्स भेज रहे हैं और कंपैरिजन चल रहा है आतिफ से कि उससे बेहतर एल्बम आपकी आई है, ये वो सारा. डोंट डू दैट. जस्ट इनको अपने एक अलग आइडेंटिटी है माशाल्लाह. और बाकी बड़ी कम बात, मैंने कभी किसी बैंड को नहीं देखा जो टूटे और साथ में दोनों सक्सेसफुल हों. एक जरूर सफर करता है या खत्म हो जाता है. आपका मतलब माशाल्लाह इतना टैलेंट था सब में कि यू मैनेज टू नॉट ओनली सर्वाइव बट डू सो वेल फॉर योरसेल्फ. थैंक यू. ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं तो इसलिए मुझे कंपैरिजन वाले खबरदार SMS आए हैं. आई जस्ट वांट यू टू कमेंट ऑन देन एल्बम और बताइए कि सजनी एल्बम आपको कैसी लगी, कौन सा गाना अच्छा लगा. और कोई सवाल? फोन नंबर किसी का जी? और क्या पूछूं? और फोन नंबर, फोटोग्राफ, डिटेल, पूरी एक CV. अच्छा, जरा अपने जोडियक साइंस बता दें जी. इलेक्शन ट्रांसमिशन. अच्छा, किसी ने कमेंट भी किया कि मारिया ने कि मुझे आपका सेट नहीं अभी पसंद आ रहा है, आई मिस योर ओल्ड सेट. तो ये कल फटफट जाएगा, हम इसमें सारे इसके पेपर उतार लेंगे क्योंकि इलेक्शन ट्रांसमिशन का हिस्सा है और वो फिर NKS का सेट पे सारी इलेक्शन ट्रांसमिशन होती सही नहीं लगता. तो इंशाल्लाह कल से बैक टू नॉर्मल. अच्छा, क्या बात हो रही थी? हाँ, मैं क्या पूछा था? बात जोडियक साइंस, अपने बारे में थोड़ा बताओ, फैमिली के बारे में बताओ. फैंस पूछ रही है
अच्छा और कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा पूछ रहे, तो फिर किसको पहले बताऊं? क्या मैंने बताया? माय ज़ोडियक साइन इज वर्गो, सितंबर 14 लियो, 27 जुलाई। अच्छा और थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, घर में कौन कौन है? मंगनियां हो गई आज, सबको शादी की जल्दी है। माँ बाप है बहुत अच्छे से, बड़े प्यार करने वाले, दो भाई हैं मुझे मिला के और दो बहनें, और क्योंकि दो तीन साल से मैं हमेशा टूर्स पे रहता हूँ और उनको कोई ना कोई शिकायत ही रहती कि तुम गायब रहते हो, तो फाइनली वी विल गो बैक आफ्टर द टूर एंड वी विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर। और मेरे माँ बाप हैं बिल्कुल, और क्या होते हैं मेरे भी हैं, दो भाई हैं मेरे अलावा, एंड ऑल माय फैमिली इज अ डॉक्टर फैमिली एक्सेप्ट माय मदर, तीनों डॉक्टर हैं, माय फादर माय टू ब्रदर्स एंड एक मेरी भाभी अभी अबू धाबी में ही है, आई विल प्रोबब्ली गो एंड मीट हर टुडे मे बी, एंड रेस्ट ऑफ देम इफ यू आर वाचिंग हाय हेलो। बस जबरदस्त। और जो मैंने पूछा था मंगनियां शंगनियां, तो अभी तो नहीं, मंगनी वगैरह का तो सीन नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर नहीं है। शादी बच्चे पहले कोई आगे बता दे तो वो अलग बात। हाँ आप लोग अखबार वाले लिख लें तो और बात है, तो वो फिर हम एडमिट करके आ जाएंगे। अच्छा क्या इंस्पिरेशन थी एल्बम सजनी के बारे में कुछ बताओ, कि मेकिंग इसकी बताओ, डिफरेंट कैसे क्या? पहले तो सजनी एल्बम जो है उसका असल नाम बूंद एल्बम है, सजनी उसका गाना है, पहला गाना है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, उस वक्त से सजनी सजनी हो रहा है, ये भी आ रहा है सजनी बहुत अच्छी है, सजनी बहुत अच्छी है। वीडियो के बारे में, बूंद एल्बम का नाम है। एल्बम अभी कभी कितनी वीडियोस, वीडियोस तो ज्यादा आई है, अभी अभी एक वीडियो आई है ना, एक ही है, सबर करो दूसरी भी आती है, इसकी एक ही आई है अभी। जैसे बता रहे थे कि दो तीन साल गुजर गए थे एल्बम बनाते हुए सारा, और मेरा ख्याल है कि पहले गाने बड़े थोड़े से, अब लगता है मैं पहली एल्बम का जो साउंड वगैरह था वो काफी इमेच्योर था, अब वो दो तीन साल में बड़ा बेहतर हो गया, क्योंकि इस दफा बहुत ज्यादा सब लोगों ने बैठ के गाने पे मेहनत की और सोचा है कि किस तरह के गाने बनने चाहिए। और एक बात ये थी कि काफी पहले एल्बम के बाद से मार्केट में कुछ इतने ऐसे गाने आ गए थे जो बड़े सिमिलर लगते थे, और वो एक बड़ी वो चीज थी कि उससे कुछ चीज डिफरेंट करनी है। तो आई गेस सजनी की वीडियो के रिलीज के बाद मेरा ख्याल है कि जो रिस्पांस हमें मिला है, शायद हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और मेरा ख्याल है कि सजनी के बाद भी इसी किस्म के गाने एक दो वीडियोस हम और प्लान कर रहे हैं, इस तरह पायल का इन्होंने कहा है, और इस तरह की बड़ी अच्छी वीडियो किसने बनाई थी? बिलाल अशारी ने, सजनी की बिलाल अशारी ने। एक्चुअली हम बड़े परेशान थे, जैसे भी हमें कॉम्प्लीमेंट मिला तेरी याद का, तो हमें लोग यही कहते थे कि आपका जो गाने हैं वो अच्छे होते हैं, पर आपकी वीडियो एक्चुअली कॉन्शियस एफर्ट थी हमारी, क्योंकि हम एक तो 1.5 साल बाद हमारी कोई वीडियो आ रहा था, और पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें उसका बड़ा प्रेशर था। तो देन दिस गाय केम इनटू सीन, और हमने इसको बोला कि इस तरह ये गाना है, ही लव्ड द सॉन्ग, ही सेड आई विल डू इट, और देन वो जो एक पूरा एक्सपेरिमेंटल था हमने उसको पूरा रूम दिया था, दैट व्हाटएवर यू वांट टू डू एफर्ट है वो दैट्स शोइंग इन द वीडियो। और बात करेंगे मजीद, बूंद इतना छोटा नीले में रखा है कि वो नजर ही नहीं आ रहा कि बूंद है, लग रहा है कोई एमी वो हो गया है, जल बड़ा सा लिखा है, बूंद हल्का सा, वो एक्चुअली बूंद है, ये स्विमिंग पूल थोड़ी है, कितना पानी जिसमें बहुत ब्लू में ब्लू लिख लिया बूंद। अच्छा ब्रेक के बाद बात करते हैं, मैं इसको टेक्स्ट के ऊपर और नजर डालूं, ड्रॉप ऑफ जल।